हे एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम लोग कंप्यूटर के क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं गाइस। पटवारी में 20 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाता है, और ये जो सीरीज़ है इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी इंक्लूड करेंगे, न्यू क्वेश्चंस को भी इंक्लूड करेंगे। तो ये मिक्स सीरीज रहने वाली है आप लोगों की, और ये आपके रिस्पॉन्स पर डिपेंड है। अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो फिर हम इसे कंटिन्यू करेंगे। एक CDP की भी हम लोग अलग से सीरीज चला रहे हैं, 4 सेशन या 5 सेशन उसमें अपलोडेड हैं, तो वो भी आपके रिस्पॉन्स पर डिपेंड है। सभी प्रकार के टीचिंग एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगी। इसमें क्या है, पटवारी के क्वेश्चंस इंक्लूड करेंगे, फिर जैसे जैसे आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आता जाएगा तो CPCT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या CPCT को फोकस बनाकर, क्योंकि CPCT में कंप्यूटर आता है, पटवारी में 20 नंबर का आता है, KVS के PRT और TGT में आपका 10 नंबर का कंप्यूटर आता है, तो हम एक ऐसे सेशंस लेकर आएंगे जिसमें आपके सभी प्रकार के कंप्यूटर के क्वेश्चंस आप लोगों से बन पाए। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को सेशन कैसा लगा और आगे इस तरीके से और सेशंस आप देखना चाहते हैं या नहीं। जो भी आपका राय हो आप ज़रूर अपने कमेंट्स में बताइएगा। तो कंप्यूटर साक्षरता का क्या अर्थ है, तो आप लोग क्वेश्चंस पढ़ो और आंसर देने की कोशिश करो। कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना, कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना, कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना, या कंप्यूटर की कार्य प्रणाली जानना। तो कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ होता है कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना। तो थर्ड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई फेसबुक क्या है, तो ये सभी को पता है भाई फेसबुक क्या है। फेसबुक एक, ये इसमें कंफ्यूज मत होना, इंटरनेट के माध्यम से चलती है फेसबुक, बट फेसबुक एक इंटरनेट नहीं है बल्कि क्या है, एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, डेटा प्रोसेस मतलब वो चीज़ प्रोसेस हो रही है, आप पहले कुछ इनपुट दे रहे हो, चीज़ें प्रोसेस होती हैं, फिर आउटपुट हमें मिलता है। इनपुट जो हम चीज़ें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं करने के लिए, फिर चीज़ें प्रोसेस होती हैं और आउटपुट जो हमें मिलता है या जो हमें दिखता है स्क्रीन पर। तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है, डेटा का भंडारण, डेटा संग्रहण, उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना, या फिर सूचना का विश्लेषण। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, डेटा प्रोसेसिंग मतलब पहले हमने इनपुट दिया, फिर डेटा प्रोसेस हुआ और जो आउटकम हमें मिलता है, तो उपयोग के लिए जो सूचना प्राप्त होती है या जो सूचना हम प्राप्त करते हैं वो डेटा प्रोसेसिंग के अंतर्गत आता है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। ये देखो, ये आपका ना 9 दिसंबर 2017 में जो पटवारी का एग्जाम हुआ था उससे पिक किया गया है कि एक रो और कॉलम के प्रतिच्छेदन, मतलब एक रो और कॉलम मिलकर, एक रो और कॉलम मिलकर क्या बनाते हैं। तो ये जो चीज बन रही है ना, ये क्या कहलाती है, ये एक शेल कहलाती है, याद रखना। स्क्वायर नहीं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। चीजें क्या है, दो तो हम बिल्कुल देखते ही साथ कैंसिल कर देते हैं भाई, वर्कशीट और रो तो नहीं हो सकता। अब स्क्वायर और सेल में भी कंफ्यूजन हो जाए तो थोड़ा सा हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, सेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। ECS का क्या अर्थ होता है, ये ना बैंक और SSC से पिक किया गया क्वेश्चन है आपका, कि ECS का क्या अर्थ है, एक्सेस क्रेडिट सुपरवाइजर, एक्स्ट्रा कैश स्टेटस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, या फिर एक्सचेंज क्लियरिंग सर्विस। तो आप बताएं ECS का क्या होता है। ECS का जो फुल फॉर्म है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, क्योंकि आपके ना SSC में भी 4 से 5 नंबर का कंप्यूटर आ जाता है, बैंक में भी अच्छा खासा कंप्यूटर आता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके अलग अलग एग्जाम से पिक किए जाएंगे, पटवारी के, CPCT से, KVS के जो PRT TGT होता है, उन सबका एक मिक्स बना के लगभग हम 1000 क्वेश्चन लेकर आएंगे। उससे क्या, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट दिखाओ कि हाँ आप लोग मतलब देखना चाहते हो सेशन को, तब तो फिर हमको लगे कि हाँ इस तरीके से और सेशंस लाना चाहिए। तो थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखो, आपकी जो प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए, अपनी प्रिपरेशन का एनालिसिस करने के लिए, बूस्टअप करने के लिए पटवारी की एक टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई है परीक्षा ऐप के द्वारा, आप उसको यूज कर सकते हैं। 50% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा जब आप ANUBHA अनुभा 50 कूपन कोड यूज करेंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया था, ये सभी प्रकार के जो MP एग्जाम्स होते हैं उनके लिए है।
आप चाहे स्टेनोग्राफर, आप चाहे ग्रुप डी के लिए जो भी सब इंजीनियर की वैकेंसीज हैं उनके लिए, पटवारी की एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। बस ध्यान रखना जो कूपन कोड है वो ANUBHA50 रहेगा, और इसका जो लिंक है इस ऐप का इंस्टॉल करने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल में वर्कशीट में सभी रोज एंड कॉलम्स को सेलेक्ट करने के लिए, ये भी सेम 9 दिसंबर 2017 का जो पटवारी का पेपर उससे पिक किया गया था। तो इसमें देखो क्या होता है, अब यहाँ पर देखो वर्कशीट में रोज एंड कॉलम दे दिया, अगर हमें कभी एमएस वर्ड में भी दे दे तो मेन बात इसमें आती है सेलेक्ट करने के लिए। तो सेलेक्ट करने के लिए होता है Ctrl+A। अब आप लोग मुझे लाइव चैट में बताओ कि Ctrl+N किसके लिए यूज होता है, Ctrl+O किसके लिए होता है और Ctrl+V किसके लिए यूज होता है, बताएं जल्दी से क्या होगा। Ctrl+A जो होता है इससे हम क्या होता है, जो हमने पूरा लिखा हुआ होता है ना डेटा उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, एन से हम न्यू पेज पर हो जाते हैं, ओ से ओपन कर लेते हैं जो भी हम फाइल ओपन करना चाहते हैं, वी से हम पेस्ट करते हैं, Ctrl+Z से अंडू होता है और सी से कट होता है। ये आप कुछ याद रख सकते हैं, वरना मैं एक अलग से ना आपको जितने भी शॉर्टकट कीज है ना उनको मैं एक बार एक वीडियो में करवा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई CAD क्या है, तो CAD आपके बैंक से लिया गया क्वेश्चन है। CAD क्या होता है, कॉमन एडिट डिजाइन, कंप्यूटर एडिट डिजाइन, कॉम्प्लेक्स एडिट डिजाइन या फिर कम्युनिकेशन। तो ये क्या होता है, कंप्यूटर एडिट डिजाइन, ये जो फुल फॉर्म है ना ये जरूर से याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि एक एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट या पोजिशंस का नाम निरूपण क्या कहलाता है, तो ये सेम आपका अगेन 9 दिसंबर 2017 से पिक किया हुआ क्वेश्चन है, ये आपका बुक मार्क कहलाता है। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है WWW के आविष्कारक, तो WWW का आप पहले तो फुल फॉर्म बताइए मुझे कि WWW का फुल फॉर्म क्या होता है और इसके आविष्कारक हैं सर टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं कि www.google.com में ये जो कॉम होता है इसका क्या अर्थ होता है, तो ये आपको पूरे याद रखने, जो एम है ये आपका कमर्शियल होता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है, तो भाभा द्वारा कौन सा है अनुपम, ये आपको नाम याद रखने, ये एक फैक्ट बेस्ड कह सकते हैं ये क्वेश्चन है। CPU का भाग होता है ये आपका अगेन पटवारी 9 दिसंबर से पिक किया गया क्वेश्चन है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका भाग होता है, स्कैनर जिससे आप स्कैन करते हो, कीबोर्ड जहां पर आपकी न्यूमेरिक और अल्फाबेटिक कीज होती हैं, और माउस जो कि कर्सर को मूव करने के लिए आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया है तो किसके द्वारा किया गया है, USA के द्वारा, ये आपका SSC बैंक का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है एमएस वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट में हेल्प विंडो ओपन करने के लिए कौन सी आप की दबाओगे, ये आपका अगेन 9 दिसंबर से पिक किया गया क्वेश्चन है, ये F1 आपकी प्रेस करोगे, मतलब अब आपको पता चल रहा होगा कि पटवारी में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त तो जो IC चिप है ये किसकी बनी होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं इसे, और ये किसकी बनी होती है, तो सिलिकन या जर्मेनियम की बनी होती है, सेमी कंडक्टर जिन्हें हम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। विषम को ज्ञात करना है तो C++, C, जावा ये आपकी लैंग्वेज होती है, लिनक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसलिए ये ऑड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है, तो डिजिटल संकेत का भी यूज होता है, एनालॉग संकेत का भी यूज होता है, तो दोनों ही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। संसाधन और डेटा का साझा करने के लिए कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है, भाई चीजें जुड़ी हैं मतलब वो किस चीज में, वो नेटवर्क में है, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आपका पटवारी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगेन 9 दिसंबर से पिक किया गया क्वेश्चन है। IBM क्या है, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ये इसका फुल फॉर्म होता है और ये एक कंपनी है। नेक्स्ट है कंप्यूटर क्या है, ये आपका से
पटवारी के क्वेश्चन जो प्रीवियस है उससे पिक किया गया क्वेश्चन है, और मैंने कहा ना मिक्स क्वेश्चन लाएंगे, पटवारी के क्वेश्चन भी कभी सीपीसीटी के, कभी एसएससी बैंक के, कभी केवीएस पीआरटी टीजीटी के, तो आपका सारा जो कंप्यूटर का डेटा रहेगा ना कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो सारा प्रिपेयर होता जाएगा। कंप्यूटर क्या है तो भाई ये सबको पता है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ, 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, बहुत कभी कभी इजी क्वेश्चन है तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जिसमें लग रहा है कि हाँ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। सेशन पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि आप इस तरह की सीरीज देखना चाहते हैं क्या। शेयर कर दीजिएगा जो लोग पटवारी सीपीसीटी या फिर केवीएस पीआरटी टीजीटी जिसमें कंप्यूटर आता है, एसएससी बैंक वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना फॉर नोटिफिकेशन। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। Thanks for watching this video.